ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਤਰਨੇਪਲ ਐਜੂਕੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅ Uh, रेफल एडोसिटी के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं बेसिकली रेफल एडुसिटी जो है ना वो फोकस करता है बच्चे के करियर के ऊपर इट इज़ नॉट समथिंग कि हाँ जी आप आए हमने आपको वीजा जो है वीजा के लिए आपका प्रोसेस करा आपको वीजा ऑफिसर ने वीजा ग्रांट कर दिया हुँ. आ, उसके बाद कंट्री में जब बच्चा वहां जाता है वहां पे भी उसकी असिस्टेंस किस तरह से रहेगी वो जो है रेफल्स उसके ऊपर फोकस करता है अभी जिस तरह से हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ चल रहा है जी जिसको हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कहते हैं मोर ओवर ये सारे ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि ये वो यूनिवर्सिटी है जो इन हाउसिंग की फैसिलिटी भी बच्चों को प्रोवाइड करती है जैसे कि आज के टाइम में काफी सारे पेरेंट्स हैं जो डरते हैं अपने बच्चे को एक दूसरी कंट्री में जने से hmm. क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पे उनका कोई रिलेटिव नहीं रहता या कोई भी उनका नोन नहीं रहता बट ये यूनिवर्सिटी आपको इन हाउस कैंपस में आपको लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आपका जो पिक है वहां से एयरपोर्ट से वो भी यूनिवर्सिटी जो है उसको वो भी प्रोवाइड करती है इनफैक्ट मिस हिल्टन ने खुद ये मेंशन करा है कि शी इज द वन वो खुद वहां पे जाके बच्चों को जो है वहां से पिक hmm. करवाती है उनकी जो टीम है वो वहां जाके बच्चों को पिक करती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनके यूनिवर्सिटी में आते हैं डॉक्टर जैसी डू स्टूडेंट गेट अकोमोडेशन इन University? Campus? Yes, we have uh, two styles of living on campus. One of them is traditional dorm style living where you have roommates and you share hmm. a bathroom and you have a meal plan and we also have apartment style living uh, with uh, kitchens where you can cook for yourself um, and either way our, our international students live in both places. How many seats in the upcoming intakes? We're still open. For students? We're still open. राइट right. जिस okay. तरह से ये मेंशन कर रहे हैं कि ये अभी तक इन क्योंकि अगस्त इनटेक है तो अभी तक सीट्स अवेलेबल हैं अभी हुँ. तक क्लोज नहीं हुई है तो जो भी डिसाइड कर रहा है इस पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो वो जो है अप्लाई कर सकता है जल्दी से जल्दी सो so दैट वो अपना नियर बाई इंटेक जो है उसको वो ग्रेस्प कर सके ਪੂਜਾ ਬੱਸ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਯੂਐਸਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੱਸ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਾਪ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹ Gracias. ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋएगी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਨਸਿਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਰੈਫਰ ਲਾਇਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਰਨ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ ਆਈ 20 ਕਾ ਦਾਏਗੀ ਮੇਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਫਲ ਐਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ठीक है जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन पूछा आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था बेसिकली वो ये था कि मैक्सिमम ऑफ द कंसल्टेंट जितने भी आज के टाइम में कंसल्टेंट हैं यहाँ पे उनको यूएस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं उस प्रोसेस को इसीलिए वो प्रमोट नहीं करते हैं जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो उस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते हैं अगर हम यूएस की बात करें अगर मैं रेफल्स एडोसिटी की बात करूँ जैन इनटेक में हमारे बच्चे गए हैं अभी अपकमिंग इनटेक है हमारे पास जून इनटेक है मार्च इनटेक है और काफी सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस

तो जब भी बच्चे का इंटरव्यू होता है उसी टाइम पे बच्चे को ऑन स्पॉट पता लग जाता है कि बच्चे को अब वीजा ग्रांट हुआ है या नहीं हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ उसका इंटरव्यू तो इसलिए कोई लंबा प्रोसेस ही नहीं है आपको उसी टाइम पे आपका रिजल्ट जो है वो मिल जाता है बिल्कुल एक कॉलो सर नाल जुड़े हुए हैं बड़ी देर तो मैं कॉल होल्ड रखी हुई सी हां जी किथों तो गल कर रहे हो जी सर मैं बड़नाले तो गल कर रही हूं गुरप्रीत हां जी गुरप्रीत पूछो जी क्या पूछना चाहते हो बीकॉम की थी 21 दे विच जी सेवेंटी फाइव परसेंट है मेरी मैं टॉफल की थी इसमें ना लें तो उसी टॉफल की थी ये हाँ जी हाँ जी तुम की पूछना चाहेंगे यो सर ओवरऑल एटी नॉट लेस इन ट्वेंटी स्कोर है ठीक है जी ट्वेंटी हाँ जी जी कौन की पूछना चाहेंगे उसी बेसिकली कैडी कंट्री वास्ते पूछना चाहेंगे यो सर यूएससी � ਇਨਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਸਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੀਕੋਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 75% ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟੋਫਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਾ ਟੋਫਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਐਸਏ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੋਫਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ये डायरेक्ट हम uh, mm. मैम से ही पूछते हैं यस लाइक देयर इज़ अ स्टूडेंट एंड शी वाज़ आस्किंग शी हैड डन बीकॉम एंड स्कोर 75 परसेंट इन हर ग्रेजुएशन एंड हैव अपेयर इज़ 80 सो इज शी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग यूएस इन योर यूनिवर्सिटी इट इज फ्रॉम A NAC A rated school, and she has less than four backlogs, as well as that equivalent to that 3.0 GPA uh, and a 79 TOEFL or higher, she would be eligible okay. to apply.